A'udhu billahi minash-shaytanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum viewers. Today is my presentation that's about mod for group data. Mod for ungrouped data ko hum discuss kar chuke hain. Ye statistics ka ek topic hai. For ungrouped data mein method ye tha ki numbers hamare paas diye hote hain mukhtalif numbers. Jo most repeated number hota hai, jo most repeated value hoti hai usko hum mod kehte hain. Lekin group data mein viewers thoda method different hota hai. First of all group data mein aapke paas frequency maujood hogi aur classes maujood hogi. क्लास बाउंड्रीज मौजूद होगी, ठीक है। अब ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होगी 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 and 14 to 16। क्लास बाउंड्रीज में भी ये होता है कि यहाँ पे जो अपर क्लास होती है फर्स्ट, वो यहाँ पे नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास से सेम होनी चाहिए। ये देखिए आप 10 और 10 ये सेम है, ये 12 और 12 सेम है, ये 14 और 14 सेम है, इसको हम क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। अब व्यूअर्स हमने फ्रीक्वेंसी में से कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है, कोई फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है। कौन सी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमने सेलेक्ट करना है। 6, 5, 10, 6, 3 मैक्सिमम कौन सी फ्रीक्वेंसी है 10, इसको हमने सेलेक्ट करना है व्यूअर्स। और इसके स्ट्रेट में, इसके सामने, इसकी सीध में जो क्लास बन रही होगी उसको भी हमने सेलेक्ट कर लेना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने। तो कौन सी क्लास बन रही है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने? 10 to 12। अब हम अपने आते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला क्या है? एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। ये फॉर्मूला है सर। अब हमें पता होना चाहिए कि एल क्या होता है, एफ एम क्या है, एफ वन क्या है, ठीक है, इसे ना F2 क्या है और H क्या है, तब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो व्यूअर्स सबसे पहले FM से मुराद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो हम सेलेक्ट कर चुके हैं, ये हमारा FM है, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को FM कहा जाता है। और F1 जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से एक नंबर ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है और इससे जो नीचे होता है वो F2 होता है, ठीक है। F1 होगा हमारा 5, F2 होगा हमारा 6, ठीक है। H से मुराद हाइट है। क्लासेस के दरमियान में जो हाइट होती है उसको H कहा जाता है। हाइट हमने देखना है व्यूअर्स, ये है 6, 8, 10, 12, 14। हाइट कितनी बन रही है लोअर क्लास और लोअर क्लास के दरमियान। अब यहाँ पे जो है ना ये क्लास है और ये हम इसको हम कहेंगे ये लोअर लिमिट है इसकी और ये अपर लिमिट है, ठीक है। इसका हम हाइट पल करें, 6 और 8 के दरमियान में कितना फर्क है 2 का, 2 और 10 के दरमियान में भी 2 का फर्क है, 10 और 12 के दरमियान में भी 2 का फर्क है, लिहाजा इसकी हाइट कितनी होगी 2, हाइट होगी 2। एच हमारा है, एच होगा हमारा 2, एफ एम हमारा है 10, एफ एम 1 हमारा है 5, एफ 2 है 6 और एल क्या है, एल है व्यूअर्स लोअर लिमिट। इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है 10, जो हमने सेलेक्ट की थी क्लास एक, ये जो ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है, ठीक है। 10 हमारी लोअर लिमिट है, इसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया, हमारा एल है 10। अब जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, एल है 10, 10 प्लस एफ एम की जगह आ जाएगा, एफ एम भी 10 है, ठीक है। 10 माइनस एफ वन क्या है, एफ वन है 5 डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन, 10 माइनस 5 प्लस एफ एम 10 माइनस F2। एफ टू क्या था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी 6, F2 6 है। और हाइट हम मालूम कर चुके हैं 2, क्योंकि इन लोअर लिमिट्स के दरमियान में 2 2 का गैप है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जस्ट 10 याद आएगा ऊपर 5, यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 4 रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, देन जो हो जाएगा व्यूअर्स 10 प्लस 5 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है व्यूअर्स। इसको आगे हम इधर कर लेते हैं, देन मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको पहले, 10 प्लस 5 2s are 10 डिवाइडेड बाय 9,
ठीक है, फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं, फिर नाइन इसका एलसीएम आ जाएगा, और नाइन टेन से मल्टीप्लाई करो, 90 प्लस 10 100, देन हमारा फाइनल हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 9। 100 को 9 से डिवाइड करते हैं कि आंसर हमारा क्या है, 100 ये आता है व्यूअर 11.11 हमारा आ गया है मॉड। ठीक है व्यूअर्स, हमारा इसका मॉड जो आया है, इसका फाइनल आंसर मॉड है हमारा 11.11। ठीक है व्यूअर्स, ये थी आज की प्रेजेंटेशन कि मॉड फॉर ग्रुप डेटा में कैसे उसका प्रोसेस होता है फाइंड करने का। अनग्रुप डेटा में तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है उसको हम मॉड कहते हैं, लेकिन ग्रुप डेटा में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाता है, वो हमारी एफ एम होती है, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 और उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2। ठीक है व्यूअर्स, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट L की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, L रिप्रेजेंटेड टू लोअर लिमिट। ठीक है, अब इसमें हमारी 10 की हमने वैल्यूज पुट की, उसको सॉल्व किया, आखिर में हमारा मॉड आया 11.11। क्लासेस व्यूअर्स, ये था मॉड। Thanks for watching of this presentation, viewer. Next time, I'm inshallah, किसी और topic के साथ आएंगे. खुदा हाफिज़।